एक एक कर कर हम एक एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं टेक्निकल एनालिसिस कोर्स में, और कैंडलस्टिक पैटर्न का अब धीरे धीरे कोर्स कंप्लीट होने को आगे बढ़ रहा है। और आज भी हम एक अनोखा सा कैंडलस्टिक पैटर्न लेकर आया है आपके लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मैजिकल ट्रेड। हर बार की तरह इस बार भी एक अनोखा कैंडलस्टिक पैटर्न, और इस बार जो कैंडलस्टिक पैटर्न लाया है उसका नाम है टसुकी गैप बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न। पिछले वीक हमने टसुकी लाइन पर कैंडलस्टिक पैटर्न पर वीडियो बनाई थी, अब हम लेकर आ गए हैं टसुकी गैप बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न। इस कैंडलस्टिक पैटर्न को हम किस तरह से पहचानेंगे, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे और किस तरह से इसकी साइकोलॉजी समझेंगे, चलिए तो चलते हैं बोर्ड पे और समझते हैं। फ्रेंड्स, ये कैंडलस्टिक पैटर्न तीन कैंडल को मिलाकर बनता है, और जिस तरह से हमने राइजिंग विंडो को देखा था कि किस तरह से वो कंटिन्यूस ट्रेंड को बताता है, ये भी इसी तरह से बताता है कि अब आगे प्रोसेस जारी रहेगा, ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। तो चलिए कैसे पहचानेंगे हम, कैसे ये तीनों कैंडल दिखते हैं, तो वो देखते हैं। दोस्तों, जब भी अप ट्रेंड में हमको एक ग्रीन कैंडल दिखे, फिर गैप अप में दूसरी भी ग्रीन कैंडल दिखे, मतलब दो बुलिश कैंडल बने और गैप अप में ओपनिंग हो, ये जैसे राइजिंग विंडो हमने देखा था ना, उस तरह से ये दो कैंडल को मिला दो तो राइजिंग विंडो हो जाएगा। लेकिन तीसरी कैंडल ने क्या किया, गैप डाउन ओपनिंग की और नीचे की ओर आया, और इसके क्लोज इसके लो से भी नीचे दिया है। अब ऐसी कंडीशन में कंफ्यूजन बन गया कि मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, क्योंकि बियरिश कैंडल एक आ गई है। लेकिन होता क्या है कि जब भी इस तरह की कैंडल मिल जाती है, ये तीनों जो कैंडलस्टिक पैटर्न जब बन जाता है, तो इसके बाद भी कंटिन्यूस होता है कई बार ट्रेंड, और ये कंटिन्यूस ट्रेंड को ही हमें बताता है। अब जब भी कोई भी कैंडल ये वाले कैंडल के हाई के ऊपर जाता है, इसके ऊपर, तो हम यहाँ पे बाय करेंगे, उसके पहले नहीं करेंगे क्योंकि एक बियरिश कैंडल बन गई है। बस इतनी सावधानी रखनी है हमको कि ये तीनों कैंडल हमको आइडेंटिफाई तो कर देते हैं कि यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है, लेकिन जाता कब है, जब भी कोई कैंडल ये ग्रीन वाली कैंडल के हाई को तोड़कर ऊपर चला जाता है और क्लोजिंग दे देता है, तो हम वहाँ पे बाय कर लेंगे। फिर से एक बार बता देते हैं, ये तीन कैंडल का कॉम्बिनेशन है और कंटिन्यूस ट्रेंड को ये हमें बताता है। तो राइजिंग विंडो की तरह दो ग्रीन कैंडल बनती है, एक ग्रीन कैंडल दूसरी ग्रीन कैंडल गैप अप में ओपन होती है और ऊपर जाके क्लोजिंग देती है, लेकिन उसके बाद एक बियरिश कैंडल ओपन हो जाती है और वो गैप डाउन में थोड़ा सा नीचे आकर वो ओपनिंग देती है। लेकिन एक चीज़ हमको ये यहाँ पे ये भी पक्का रखना है कि उसकी क्लोजिंग इसके हाई के नीचे ना जाए, तभी ये कंटिन्यूस ट्रेंड दे सकता है। तो जब ये कॉम्बिनेशन हमको मिल जाता है, तो कोई भी कैंडल ग्रीन वाली कैंडल के हाई को तोड़ता है और क्लोजिंग दे देता है, तो हमको वहां पे बाय कर लेना चाहिए। स्टॉप लॉस आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, रिस्क रिवार्ड रेशियो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। हर टाइम फ्रेम में ये इसी तरह से वर्क करेगा, एक तरह से ही वर्क करता है, और हमेशा याद रखना कि आपको बाय तभी करना है कि ऐसी कंडीशन मिल जाए तो ग्रीन वाली कैंडल, मतलब जो ऊपर वाली ग्रीन वाली कैंडल है, उसके हाई को तोड़कर क्लोज दे कोई कैंडल, तभी आपको बाय करना है। और ये हमें बताता है कि अगर ये टॉप अप ट्रेंड चल रहा है तो अब ये कंटिन्यू रहने वाला है, थोड़ा और लंबा जाएगा और लंबा प्रॉफिट आप बुक कर सकते हो। तो फ्रेंड, हमने समझ लिया कि किस तरह से दिखता है, अब इसकी साइकोलॉजी समझते हैं। देखिए, मार्केट कंटिन्यू ऊपर जा रहा है और राइजिंग विंडो भी ओपन हो गया, तो अब तो पता है कि ये मार्केट ऊपर ही जाना है। कन्फ्यूज़न यहाँ क्रिएट हो गया कि यहाँ पे एक रेड कैंडल बन गई, लेकिन ये रेड कैंडल ने क्लोजिंग इसके हाई के ऊपर ही रखा, उसके क्रॉस नहीं किया, तो एक उम्मीद बनी रहती है कि अभी भी मार्केट ऊपर जा सकता है, क्योंकि अभी भी बायर्स का जोर ज़्यादा है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जब भी ग्रीन कैंडल के ऊपर में कोई कैंडल क्लोज करती है, तो वहाँ एग्जैक्ट आपको बाइंग कर लेना चाहिए, मार्केट फिर से और ऊपर चला जाएगा। तो दोस्तों, चलिए हमने समझ तो लिया इसे बोर्ड पर, ऑन स्क्रीन भी देख लेते हैं किस तरह से काम करेगा, लेकिन कुछ बातें आप लोगों से करना चाहते हैं।
जीरोधा अपस्टॉक एंजल ब्रोकिंग में अगर आपका डीमैट अकाउंट नहीं है और आप खुलवाना चाहते हैं तो हमारी डिस्क्रिप्शन के लिंक से अगर आपने डीमैट अकाउंट ओपन किया तो आपको हम एक स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लेंगे। साथ ही अगर आप हमारे साथ में सोशल मीडिया में जुड़ना चाहते हैं तो ट्विटर, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप हमारे साथ में सोशल मीडिया पर भी जुड़ सकते हैं। और अगर आप हमारे लाइव सेशन अटेंड करना चाहते हैं जो हर संडे को दोपहर 1 बजे करते हैं तो चैनल के नीचे जो सब्सक्रिप्शन के बाजू में ज्वाइन बटन है वहाँ जाकर आप चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं ऑन स्क्रीन ये टशु की गैप बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न कैसे दिखता है और कैसे हम इस पर ट्रेड लेंगे। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, टशु की गैप बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न आपने किसी भी स्टॉक पे और कोई भी टाइम फ्रेम पे देख सकते हैं। देखिए अप ट्रेंड में की तो बात ही है, ये डाउन ट्रेंड में भी कितना अच्छा काम किया। ये देखो यहाँ से मार्केट पूरा डाउन आया, फिर साइडवेज हुआ, उसके बाद में एक ग्रीन कैंडल और फिर गैप अप में एक और ग्रीन कैंडल जो राइजिंग विंडो बन रही है और फिर उसके बाद एक रेड कैंडल। ये तीनों का कॉम्बिनेशन टशु की गैप बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। तो हमने कहा ही था कि गैप अप में ओपन हुआ और उसके बाद एक रेड कैंडल बन गई तो ये कॉम्बिनेशन होता है टशु की गैप कैंडलस्टिक पैटर्न। और ग्रीन कैंडल जो उसका हाई किसी ने तोड़ा तो देखो हमको यहाँ पे तोड़ने के बाद में अगर हमने बाय किया तो कितना बढ़िया प्रॉफिट होता है। जो हाई है ग्रीन कैंडल का वो बस तोड़ दे, उसके बाद हमको बुक करना है अपना प्रॉफिट। ये हर एक स्टॉक में और हर एक टाइम फ्रेम पे सेम काम करता है, तो आप इसका लाभ ज़रूर उठाइए। फ्रेंड्स हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट्स भी जरूर करना और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि इसी तरह की और भी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको नोटिफिकेशन पे मिलती रहे। अगली वीडियो लेकर फिर हाजिर हो जाएंगे, तब तक के लिए नमस्कार।